मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर नगर निगम की रानी लक्ष्मीबाई पार्क में 14 दिनों से धरनारत आशा कार्यकर्त्रियों ने रविवार को कचहरी चौक पर जाम लगा दिया। आशा कार्यकर्त्री सीएम योगी आदित्यनाथ से वार्ता करने की जिद पर अड़ी थी। जाम की खबर सुनकर मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव, एसएसपी रविंद्र कुमार, सीओ कोतवाली अतुल सिंह, महिला थाना प्रभारी डॉक्टर शालिनी सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हो गए और आंदोलित आशा कार्यकर्त्रियों को समझाने का प्रयास किए। प्रदर्शनकारी सीएम योगी से वार्ता करने की जिद पर अड़े रहे और जाम को खुलवाने के लिए पुलिस द्वारा सख्त हुई, लेकिन आशाओं ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और मानदेय बढ़ाए जाने के लिए निष्कर्ष तक पहुंचने की बात करती रही। काफी प्रयास के बाद सिटी मजिस्ट्रेट के आश्वासन पर आशा कार्यकर्त्रियों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन की अध्यक्ष चंदा यादव ने कहा कि 11 जून को सीएम योगी जी से मुलाकात किया जाएगा और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखते हुए उनके समाधान की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा ¡Gracias!
दुर्गे जी। हमारे महाराज जी आ गए हैं, अपने जिले पे आ गए हैं, उनकी हम लोग आशा रखते हैं, उनसे हम लोग आशा रखते हैं कि महाराज जी भी हमारी पीड़ा हमारी समस्या का निस्तारण है। वो अलग से जो अपनी राजनीति कर रही है, किसानों से हमारा निवेदन है कि अगर संगठन में है तो संगठन में हमारी बात को मानना होगा। अगर हम छोड़ देंगे तो फिर जिंदगी भर आप लोग बताएंगे, फिर होगा नहीं आप लोगों का। अपनी वेतन की मांग को लेके हम लोग आंदोलित हैं। कोई जिले का अधिकारी डीएम साहब या हमारे चिकित्सा अधिकारी झांकने तक नहीं गया कि ये हमारी आशा बहने किस समस्या को लेके बैठी हुई है। हम लोग ब्लॉक पर बुधवार को और कल शनिवार को टीका वैक्सीन के लिए भी रोक गया था, लेकिन कोई आश्वासन तक देने नहीं आया। कल हमारी वार्ता मुख्यमंत्री जी से होगी, हम मिलेंगे अपनी बहनों को लेकर।